हनुमान जी की माँ से हुई भूल कैसे बन गई अप्सरा से बांदरी। दोस्तों आइए इस रोचक कथा के बारे में जानते हैं। इससे पहले आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें। दोस्तों एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था उसी समय सभा के मध्य ही पूंजिकस्थली नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पूंजिकस्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पूंजिकस्थली को कई बार टोक कर ऐसा करने से मना किया लेकिन वो अनसुना कर वैसा ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं, तू कैसी देव अप्सरा है जो बानरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है, जा अपनी इस आदत के कारण तू बानरी हो जा। ऋषि दुर्वासा का साप सुनकर पूंजिकस्थली सन्न रह गई। अपने आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी, पर अब क्या हो सकता था, भूल हो चुकी थी, उसके कारण वह सापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर कहा, ऋषिवर अपनी मूर्खता के कारण यह भूल मैं अनजाने में करती रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान न दी। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य न था, कृपया बताइए अब आपके इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुन ऋषिवर दुर्वासा पसीजे और बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू बानर जाति के राजा वीरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ से एक महान बलशाली यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। पुनर्जन्म में वानर राज वीरज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। इसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ।